मौसम में बहार की आमद के साथ ही कराची के समंदर किनारे सजी तीन रोजा फूलों की नुमाइश, दीदा जेब और मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के फूलों ने शहरियों की तवज्जो समेट ली। ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताइए क्या अहवाल है इस नुमाइश का और शहरी कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं? बहार की आमद के साथ ही शहर कायद में समुंदर किनारे फूलों की नुमाइश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज चूंकि इस नुमाइश का दूसरा दिन है और वीकेंड भी है, लोगों की एक बड़ी कसीर तादाद है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। लोग बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे स्पेशली ना फ्लावर से बहुत लव है, तो यहाँ आके डिफरेंट तरीके के मुझे फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। क्या समझती हैं कि ऐसी एग्जीबिशंस का इनेकाद होते रहना चाहिए? बिल्कुल होते रहे। एक तो वैसे ही बहुत फर्स्टेड हैं हम, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के मुल्क के। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया ये फूलों की नुमाइश के वाले से मैं आप बता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। छह टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।